फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 12 के बारे में, जिसके एक्सरसाइज 12 सी अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस कर लिया था, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको गिवन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको गिवन है कि इन हाउ मेनी वे कैन द लेटर ऑफ द वर्ड कंबाइन बी अरेंज सो। फर्स्ट के अंदर आपको गिवन है ऑल वोवल्स आर नेवर सेपरेट, यानी जितने भी वोवल्स हैं वो सेपरेट नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो अगर वो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग में देखूं तो पहले तो जो गिवन आपको उसमें वोवल्स है कौन कौन से, कंबाइन वर्ड है तो कंबाइन में जो वोवल्स है वो देखो कौन कौन है। आपका कंबाइन के अंदर ओ हो गया, आई हो गया और ई हो गया, ये वोवल्स है। कॉन्सोनेंट कितने हैं, ये कितने आपके सी एन बी एन, ये कॉन्सोनेंट हो गए। फर्स्ट के अकॉर्डिंग आपको कितने लेटर का वर्ड बनाना है, जितना दिया हुआ है, कितने लेटर दिए हैं, 7 लेटर दिए हैं। तो 7 बॉक्स में रिप्रेजेंट कर लेता हूं। तो देखो ये 1 बॉक्स है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये आपके 6, ठीक है, और ये 7। अगेन बोला है कि ये तीनों वोवल्स एक साथ आएंगे। सपोज मैं ये बोलूं कि ये तीनों वोवल्स इन फर्स्ट 3 कंडीशन में आएगी, अब ये जरूरी नहीं ये पूरा बॉक्स इसके जस्ट यहां पे भी आ सकता है, ठीक है, समझ रहे चीज को, यहां पे भी आ सकता है, फिर यहां पे भी आ सकता है, फिर यहां पे भी आ सकता है, फिर यहां पे भी आ सकता है, ऐसे आ सकता है। जैसे सपोज कि तीनों कंडीशन पे आ गई, फिर इन तीनों भी आ सकते हैं, इन तीनों भी आ सकते हैं, इन तीनों पे आ सकते हैं, इन तीनों पे आ सकते हैं। तो मैंने एक फॉर एग्जांपल से इनको ले लिया इसमें, यानी ये जो तीनों वोवल्स हैं इन तीनों प्लेस पे अरेंज होंगे। प्लेस कितने हैं, 3 है, नंबर भी कितने हैं, 3 है। तो इन तीनों का इंटरनली अरेंजमेंट कितना होगा, 3 फैक्टोरियल से होगा इनटू। अब मैं इस पूरे को एक बॉक्स मान लेता हूं, इसके अंदर जो आपके है आई वी ओ आई ई, ये 3 वोवल्स अरेंजमेंट हो रहा है, इनका अरेंजमेंट हो गया। अब ये पूरा बॉक्स है और ये बॉक्स कितने आपके 4 है, तो ये बॉक्स यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, ये बॉक्स यहाँ पे भी आ सकता है, यानी इस बॉक्स का अरेंजमेंट इन 4 बॉक्स के साथ भी होगा। तो ये 4 है और ये कितना आपका 1, तो टोटल बॉक्स कितने, 5 बॉक्स है। तो इन 5 बॉक्स का अरेंजमेंट कितना होगा, 5 फैक्टोरियल होगा। अब इनको सॉल्व कर दो तो टोटल अरेंजमेंट आ जाएंगे, ठीक है, समझ गए होंगे। इस बॉक्स को भी साथ में लेना पड़ेगा क्योंकि ये तीनों वोवल्स हमेशा साथ में रहेंगे। तो ये जो टोटल अरेंजमेंट है इसकी वैल्यू कितनी, 6 इनटू ये कितना 120 है ना, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 और ये 720। सेकंड देखो इसका, इसी का उल्टा है। अगले ने क्या बोला, ऑल द वोवल्स नेवर टुगेदर, यानी जितने भी वोवल्स है वो साथ में नहीं होनी चाहिए। तो टोटल कंडीशन में निकाल दो, देखो 7 प्लेस है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और ये 7। इन 7 नंबर का अरेंजमेंट इन 7 बॉक्स के अंदर कितना, 7 फैक्टोरियल, जिसमें से टोटल आ गए हैं, जिसमें टोटल आ गए हैं, जिसमें वोवल्स आपके साथ भी हैं, वोवल्स आपके साथ भी नहीं है वो। अब यहां पे ये बोला है कि वोवल्स नेवर टुगेदर, कि वोवल्स साथ में नहीं आ रहे हैं। तो साथ आने वाली कंडीशन ये है, इसको मैं माइनस कर दूं, इसमें से 720 को आप माइनस कर दो। क्यों, क्योंकि अगले ने बोला है कि वोवल्स नेवर टुगेदर साथ में नहीं आएंगे, और साथ में नहीं आएंगे तो एक एक तो आ ही सकते हैं, तो ये वाली कंडीशन आप साथ वाली माइनस कर दो तो टोटल अरेंजमेंट आ जाएगा। अब ये इनकी वैल्यू में फाइंड आउट कर लूं कैलकुलेटर से, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 720 और 120 और ये 720 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 720 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आपकी वैल्यू आएगी 4040 माइनस का 720। अब माइनस कर दो 720 को तो आपकी वैल्यू आएगी 4320, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको फाइंड आउट करना है इसमें।
नेक्स्ट इसका डिस्कस करते हैं अपन। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन देखो, ठीक है, ये लिख देना थोड़ी सी आप इसमें। वोवल्स ऑक्यूपाइड ओनली ऑड प्लेस, तो देखो सेवन बॉक्स है आपके, ये वन टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स, ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन आपके वोवल्स ओड प्लेस पे आएंगे। तो ओड प्लेस यहां पे ओड प्लेस है, यहां पे ओड प्लेस है, यहां पे ओड प्लेस है। टोटल ओड प्लेस कितने? फोर है। वोवल्स कितने हैं? थ्री है। तो इन फोर प्लेस पे थ्री वोवल्स का अरेंजमेंट फोर पी थ्री इन टू। इवन प्लेसेस कौन से? ये इन पे किसका अरेंजमेंट? इन फोर कॉन्सोनेंट का। तो कॉन्सोनेंट फोर है, तो फोर का फोर प्लेस है और फोर ही आपकी कॉन्सोनेंट आ जाएगा। तो 4p3 की वैल्यू 4 फैक्टोरियल इनटू 4, ये आपका ऐसे आ जाएगा ना, रुको भाई, 4p इसकी वैल्यू है ना 4 माइनस 1 और ये 4, यानी ये भी 4 फैक्टोरियल और ये भी आपका 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24, ठीक है ना, और ये भी आपका 24 और इसकी वैल्यू कितनी? 576, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, चेक कर लेता हूं मैं एक बार, क्वेश्चन नंबर आपका 4p3 की वैल्यू ही तो आएगी ना, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल, सही है, और ये 4 फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल, इनकी इसकी दोनों की वैल्यू आपकी ये आएगा भैया आपका। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या क्या होना, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको गिवन है कि 3 पर्सन हैव 4 कोर्ट, पर्सन कितने हैं? 3 पर्सन है। जो 4 कोर्ट सी लिख देता हूं और 5 वेस्ट कोर्ट डब्ल्यू सी और 6 हेड्स, ये लीजिए। फाइंड इन हाउ मेनी वे कैन दे पुट ऑन द क्लॉथ, यानी इनमें से ये 3% क्लॉथ पुट कर रहे हैं, तो 3% है, एक एक क्लॉथ पुट करेगा, तो यहां से पुट करने यानी 4 में से कितने का अरेंजमेंट चाहिए आपको? 3 का चाहिए, फिर 5 में से कितने का चाहिए? 3 का चाहिए, और इसमें से 6 में से 3 का चाहिए, 3% है तो 3 का अरेंजमेंट हो गया। अब इन सबको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल रिक्वायरमेंट अरेंजमेंट आ जाएंगे, तो आपकी वैल्यू आएगी 4 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल अपॉन में दोनों का माइनस कितना? 2 फैक्टोरियल इनटू 6 फैक्टोरियल अपॉन में दोनों का माइनस कितना? 3 फैक्टोरियल। अब इनको मैं कैलकुलेट कर देता हूं, आपकी वैल्यू आ जाएगी, देखो कितनी आएगी, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी? 4 इंटू 12 और इंटू 2 कितना? 24। इंटू 5 फैक्टोरियल को मैं एक्सपेंड कर दूं तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन में 2 इंटू 1 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, ये कितना आ गया? 24 इंटू, इनको मैं सोल्व करूं तो 20 20 गुणी 3 60, और ये कितना? 30 34 कितना? 120। ये आपका मल्टीप्लाई आ जाएगा, मैं कैलकुलेट कर देता हूं, देखो 120 इंटू 60 इंटू 24 वैल्यू आएगी आपकी यहां से 17 28 00, ये आपके टोटल सॉल्यूशन आ जाएंगे, टोटल रिक्वायरमेंट अरेंजमेंट आ जाएंगे। ठीक है ना, देखो मैंने यहां पे मल्टीप्लाई किया है तो सिलेक्ट कर रहे हैं इसमें से एंड इसमें से, एंड यूज कर रहे हैं तो वहां पे मल्टीप्लाई आएगा और मैं और यूज करूं, देखो ये ध्यान में रखना है, अपन करेंगे इसमें यूज तब मैं बता रहा हूं आपको।
कि जहां पे मैं और को यूज करूं, और हिंदी में आप या कह सकते हो, यहां पे अपन प्लस का यूज करेंगे, और एंड वर्ड को यूज करूं तो मैं यहां पे मल्टीप्लाई यूज करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन डिस्कस करेंगे 11 के अंदर, कौन सा, 9th के अंदर। चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 9th, देखो क्वेश्चन नंबर 9th में आपको क्या दिया हुआ है, देखिए ध्यान से। इफ आउट ऑफ फ्लैग एनी नंबर ऑफ फ्लैग कैन बी शो एट ए टाइम, यानी एक किसी टाइम पे एक फ्लैग शो हो रहा है, फाइंड हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी मेड आउट ऑफ देम, ठीक है ना। और आपको सिग्नल दिए हुए कितने सिग्नल है, 6 फ्लैग का सिग्नल है, और एट ए टाइम कितने शो हो रहे हैं, तो या तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या फिर 4 हो सकता है, या फिर कितने हैं, टोटल 6 है ना, तो 6 पॉसिबल कंडीशन मिलेगी। यदि जो रिक्वायरमेंट सिग्नल का अरेंजमेंट है वो 6 में से जब 1 आपका शो हो रहा है तब की कंडीशन नहीं है, फिर या 6P2 फ्लैग का सिग्नल मिल रहा है, फिर 6P3 सिग्नल 3 फ्लैग का सिग्नल मिल रहा है, फिर 4 फ्लैग का सिग्नल, ये लीजिए, फिर 6P5 और फिर 6P6 ये लीजिए। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 6 फैक्टोरियल अपॉन में इन दोनों का माइनस कर देंगे, क्या करेंगे, इन दोनों का माइनस, तो 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल, प्लस 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, प्लस 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, प्लस 6 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल, प्लस 6 फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल। इसको मैं सोल्व करूं तो 6 × 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल, प्लस इसको मैं सोल्व करूं तो 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल, प्लस 6 × 5 × 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, और इसको मैं सोल्व करूं तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, और प्लस में 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 720, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी 720, बाद में लिख देंगे 6 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है, और वैल्यू आ जाएगी आपकी 6 फैक्टोरियल, ये लीजिए। अब इनका सबका वैल्यू निकाल के एड कर दो, तो ये तो कैंसिल आउट होगा, 6 हो गया, प्लस ये कैंसिल आउट होगा, 30 हो गया, ये कैंसिल आउट होगा, ये 4 भी आएगा ना यहाँ पे, ये 4 × 3 फैक्टोरियल, ठीक है, तो ये कितना आएगा देखो, 30 × 4 = 120, और ये कैंसिल आउट होगा तो 120 × 3 = 360, प्लस 720 प्लस 720, ये आपका आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। इनको मैं सोल्व करता हूँ तो 6 × 6 प्लस 30 प्लस 120 प्लस 360 प्लस 720 प्लस 720, ये आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी, सॉरी ये कट गया, 6 प्लस 30 प्लस 120 प्लस 360 प्लस 720 प्लस 720, वैल्यू आ गई आपकी ये 1956, ये ऐड करने के बाद आपकी वैल्यू आ जाएगी और आपका, ठीक है, यही आंसर आ रहा है। करते हैं डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे मैंने प्लस यूज किया है क्योंकि कंडीशन आपको ये बोल रहा है कि या तो ये 1 सिग्नल देगा, या 2 सिग्नल देगा, 3 सिग्नल देगा, 4 देगा, 5 देगा, 6 देगा, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर आपका 10, देखो, वीडियो पॉज कीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका है 10 के अंदर ये बोला है कि इन हाउ मेनी वे कैन 9 थिंग्स, टोटल थिंग्स कितनी है, कितनी है 9 है, टेकन एट ए टाइम, टेकन एट ए टाइम,
कितनी टेकन कर रहे हैं अपन, फोर कर रहे हैं, फोर कर रहे हैं, और इनका जो अरेंजमेंट होगा कि हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट, पहले तो टोटल ले लो कि फिर आगे कंडीशन डालिए कि हाउ मेनी वे कैन, तो टोटल नंबर ऑफ वे, टोटल नंबर, नंबर ऑफ वे ऐसे लिख दो, टोटल नंबर ऑफ वेज कितना 9p4। सोल्व करें तो 9 factorial upon 5 factorial, ठीक है, इसकी कंडीशन याद रहेगी, इसको मैं सोल्व कर देता हूं, देखो वैल्यू कितनी आएगी, ये तो 9 factorial हो गया, इसको मैं एक्सपेंड करूं तो 9 × 8 × 7 × 6 × 5 factorial अपॉन में वैल्यू कितनी 5 factorial, और ये इससे कैंसिल आउट होगा और इनको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, देखो 9 × 8 × 7 × 6 तो ये वैल्यू आएगी 3024, ये वैल्यू आएगी 3024, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट को मैं डिस्कस करूं तो नेक्स्ट के अंदर देखो क्या की बना, ये फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग है, सेकंड कंडीशन के अंदर ये बोल दिया कि एंड इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट विल ए पर्टिकुलर थिंग बी इंक्लूड, जो पर्टिकुलर थिंग वो इंक्लूड है, तो पर्टिकुलर थिंग्स टोटल कितने हैं आपके टेकन एट ए टाइम, फोर है ना, फोर इंटू, अब एक थिंग तो इसमें से कम हो गई, एक थिंग इसमें से कम हो गई, ये तो एट बची रिमेनिंग, और ये कितना का अरेंजमेंट होगा, थ्री का होगा, तो 8p3 ये टोटल अरेंजमेंट, और इसको मैं सोल्व करूं तो 4 × 8 factorial upon 5 factorial, इसी को लिख सकता हूं 4 × 8 × 7 × 6 × 5 factorial upon 5 factorial, ये इससे कैंसिल आउट, इनका मैं सबका मल्टीप्लाई कर दूं तो आपकी वैल्यू आएगी 32 का मल्टीप्लाई 42 के साथ में, तो आपकी वैल्यू आएगी 1344, ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, और ठीक है ये आंसर आपका। करते हैं डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 11 के बारे में, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की मैं बात करूं तो 11 क्वेश्चन के अंदर आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है कि हाउ मेनी डिफरेंट नंबर ऑफ फोर डिजिट कैन बी फॉर्म विद द 10 डिजिट, ये 10 डिजिट आपको दिए हैं 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है ना, ये 0 वाला 10 तक डिजिट दिए हैं। कितने नंबर का डिजिट आपको फॉर्म करना है, देखो बॉक्स मेथड अप्लाई करता हूं, ध्यान से देखना, 4 डिजिट का नंबर आपको यहां पे फॉर्म करना है, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे, वही तो है आपके यहां पे, टोटल अरेंजमेंट कितने होंगे, देखो अपन जानते हैं कि 4 डिजिट के ऊपर यहां पे 0 नहीं आ सकता है, ठीक है ना, ये तो आपको कंडीशन है, और फिर कुछ दिया हुआ है आगे कि व्हेन डिजिट आर नॉट रिपीटेड यानी रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो इस कंडीशन पे 0 तो आ ही नहीं सकता, 0 आ गया तो 3 डिजिट का नंबर ही होगा, आ कौन सकते हैं 1 से लेके 9 तक, तो ये 1 से लेके 9 तक 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, इसे कितने नंबर आ सकते हैं, 9 नंबर आ सकते हैं, तो 9 आ गया। अब इन 9 में से एक तो आ गया, बचे कितने 8 के साथ ये 0 भी आ सकता है यहाँ पे, तो अब वापिस यहाँ पे कितने आएंगे 9 आ सकते हैं, फिर 2 आगे 8 बचे, फिर 3 आगे बचे कितने आपके 7, इन सबको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4 डिजिट का अरेंजमेंट आ जाएगा, ये कितना आएगा देखो 81 का मल्टीप्लाई 56 के साथ करवा दूं तो वैल्यू आएगी 4536, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। करते हैं डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 के बारे में डिस्कस करते हैं, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 को देखो, 12 में आपको गिवन है कि फ्रॉम द डिजिट 1, 2, 3, 4, 5 और 6 फिर बोला हुआ है कि हाउ मेनी थ्री डिजिट ऑड नंबर कैन बी फॉर्म
थ्री डिजिट का ओड नंबर आपको फॉर्म्ड करना है। तो देखो इसका मीनिंग समझो, रेस्ट्रिक्शन डाल दिया इसके अंदर कि थ्री डिजिट का ओड नंबर आपको फॉर्म्ड करना है। तो इसका मीनिंग तो समझ गए होंगे कि मैं बात करूं कि यहां पे आपका कोई इवन नंबर दिया हुआ है तो ये जो पूरा डिजिट होगा वो इवन होगा, और यहां पे कोई ओड नंबर दिया हुआ है तो वो ओड नंबर होगा, यानी ओड वाले कौन से, जो टू से डिविजिबल नहीं हो। तो देखो इस प्लेस पे कौन से नंबर आ सकता है, एक तो वन आ सकता है, एक थ्री आ सकता है और एक फाइव आ सकता है, यानी वन थ्री फाइव, इन थ्री में से आ सकता है और टू फोर सिक्स नहीं आ सकता है। तो इन थ्री इस प्लेस पे ये थ्री डिजिट थ्री तरीके से आ सकते हैं, तो थ्री ठीक है ना, एक बार वन आ गया, एक बार थ्री आ गया, एक बार फाइव आ गया। अब मान लीजिए सपोज करो कि यहां पे एक डिजिट आ गया, अब इस बॉक्स के अंदर एक डिजिट ही आ गया, बच्चे भी कितने हैं, फाइव बच्चे हैं, ये फाइव कितने तरीके से आएंगे इस बॉक्स में, फाइव, क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड है। और फिर बच्चे भी कितने, एक यहां पे आ गया, एक यहां पे आ गया, बच्चे कितने आपके, थ्री बच गए यानी फोर बच गए, तो ये फोर, इन सबको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कौन से आ जाएंगे, थ्री डिजिट ऑड नंबर आ जाएंगे टोटल, ये क्या आपके थ्री डिजिट ऑड नंबर हैं, टोटल थ्री डिजिट ऑड नंबर है ये, ठीक है। कितने है देखो, इन सबको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा आपका, सिक्सटी आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, समझ गया होंगे। करते हैं डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 13 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। ध्यान से देखना 13 को, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको गिवन है कि हाउ मेनी डिफरेंट नंबर ऑफ सिक्स डिजिट कैन बी फॉर्म्ड, यानी फर्स्ट के अंदर आपको कुछ डिजिट दे दिए, क्या डिजिट दे दी, थ्री वन सेवन जीरो नाइन और फाइव, और अगले ने बोला सिक्स डिजिट का नंबर बनाना है, तो सिक्स बॉक्स बना लीजिए, ये लीजिए, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर और ये फाइव और ये सिक्स, आपको सिक्स डिजिट के नंबर बनाने, तो टोटल नंबर कौन से, सिक्स डिजिट नंबर, टोटल सिक्स डिजिट नंबर कितने आएंगे वो देखो, यानी मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, टोटल सिक्स डिजिट नंबर, देखना ध्यान से, ये जीरो यहां पे नहीं आ सकता है, ठीक है। तो एक डिजिट तो कैंसिल आउट हो गया, बच्चे भी कितने हैं, तीन ये और टू ये, कितने डिजिट बचे हैं अपने पास, नंबर कितने बचे, फाइव नंबर है, तो इस प्लेस पे ये फाइव नंबर फाइव टाइप से आ सकते हैं। अब एक तो आ चुका, ठीक है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड है इसमें भी, ठीक है ना, शायद देखते हैं एक बार, ठीक है, बोला हुआ नहीं है लेकिन जहां पे नहीं बोला हुआ वहां पे आपको रिपीटेशन इज नॉट अलाउड ही करना, चलिए ठीक है। अब मान लीजिए थ्री आ गया, इनमें से टू बचे और ये टू बचे, बच्चे भी कितने, फोर बचे, जिसमें से ये जीरो भी आ सकता है, तो बच्चे कितने आपके, फाइव, तो यहां पे कितने आएंगे, फाइव आएंगे, फिर यहां पे फोर आएंगे, फिर यहां पे थ्री आएंगे, फिर यहां पे टू आएंगे, फिर यहां पे वन आएंगे, ठीक है। तो इन टोटल को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आएगा ना, इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, सबको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो 120, 120 इंटू सिक्स कितना, फाइव कितना, 600, ये आपके टोटल अरेंजमेंट आ जाएंगे। सेकेंड कंडीशन को देखो, सेकेंड कंडीशन में ये बोल दिया है कि हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 10, कि सिक्स डिजिट का नंबर आपको बनाना है और वो किससे डिविजिबल हो, 10 से डिविजिबल हो, तो इस 10 को मैं फिक्स कर देता हूं, 10 से कब डिविजिबल होगा, जब लास्ट डिजिट आपका जीरो आ जाए, 1 2 3 4 5 6, यानी लास्ट वाला डिजिट आपका जीरो आ गया, तो इसमें से ये वाला डिजिट तो फिक्स हो गया। अब बचे हुए डिजिट कितने आपके, पांच है, तो 10 से डिविजिबल होने वाले नंबर आपको बताने, तो इस बॉक्स का अरेंजमेंट बताइए, फाइव नंबर फाइव टाइप से आ सकते हैं, फोर बच्चे कितने, फोर, फोर फोर तरीके से आ सकते हैं, और ये थ्री आ सकते हैं, और ये आपका टू आ सकते हैं, और ये आपका वन आ सकता है, इन सबको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो फाइव इंटू
फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, कितना आंसर आ जाएगा कि 10 से डिविजिबल डिवाइड होने वाले नंबर आपके 120 होंगे। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। फिर डिस्कस करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखो, हाउ मेनी ऑफ देम विल हैव जीरो इन द 10th प्लेस। तो पहले तो सिक्स डिजिट बना लो, आपके नंबर तो वही है, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर और ये फाइव, ये आपके सिक्स डिजिट का नंबर बन गया, बॉक्स बन गया, एक छह बॉक्स बन गए। छह में से अगले ने बोला है कि ये आपका यूनिट प्लेस है और ये आपका 10th प्लेस है। यहां पे जीरो को फिक्स कर दिया, यानी इस वाले डिजिट को फिक्स कर दिया। बच्चे भी कितना है, फाइव डिजिट है। फाइव डिजिट का अरेंजमेंट फाइव बॉक्स के अंदर फाइव फैक्टोरियल से होगा। आप ऐसे कर सकते हो, फाइव पी फाइव, यहां पे भी कर सकते थे और यहां पे भी कर सकते थे। इसका ये रेस्टिकेशन था, इनको अरेंज कर सकते थे। तो मैं इस बॉक्स के अंदर ये फाइव डिजिट फाइव टाइप से आएंगे, फिर फोर टाइप से आएंगे, फिर थ्री टाइप से आएंगे, फिर टू आएगा, इसमें तो हो गया ये और ये बनाएंगे। इन सबको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो इस 10 प्लेस पे जीरो वाले नंबर कितने हो गए, 120। ये देख लीजिए आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप अच्छे से। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 13। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।